हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, आप देख सकते हो एकदम मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ। ताजा नहाया हूँ मैं। मेरी शक्ल देख के आप समझ सकते हो कि मैं जैसे मैंने कपड़े पहने वैसे मैं धार्मिक जगह जाने वाला हूँ। लेकिन एक जो अधर्मी इंसान है मेरे साथ में वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, वो ये है। ये देखो अभी तक तैयार नहीं, सब तैयार है भाई। वो भी तैयार है, ये भैया भी तैयार है, दीदी भी तैयार है। और दीदी तो खास करके देखो मैच कर रहे हैं, हम लोग तो साथ में देखो भाई बहन लगे एकदम मैच कर रहे हैं। देख रहे हो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी खाटू श्याम जी। हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं यहाँ से रिंगस, एंड रिंगस से खाटू श्याम जी हम लोग जाने वाले हैं पैदल। 16 किलोमीटर की ये हमारी जर्नी होने वाली है आज, जो हम 11 नंबर बस से जाने वाले हैं। तो गाइस, आर यू रेडी? आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, इन सब का फर्स्ट। तू गया हुआ ना, तू एक बार गया हुआ, मैं भी एक बार गया हूँ, तेरा भी फर्स्ट टाइम है। अरे भाई, तू ये अपने बोलो जुबा केसरी को ना थूक के बात करा कर, यार तू क्या आदमी है। तो दोस्तों, अभी सौम्य को थोड़ा रेडी होना है, उसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक मेरे पास ये 10-15 मिनट है तो मैं इसमें ना थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेता हूँ। एंड मैं ट्रेडिंग करता हूँ बिनोमो के ऊपर, जो कि एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो चलो मैं आप लोगों को ना थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बिनोमो के ऐप का इंटरफेरेंस को जैसा दिखता है, एंड यहाँ से आप एसेट सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी एसेट्स है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो। एंड भाई, मेरा सबसे फेवरेट फीचर है ये 5ST वाला, इसको सेलेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पर क्रिप्टो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ना सिर्फ अपना 5 सेकंड में अपना रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने एसेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करूंगा 400 रुपीज। एंड भाई, अब अपने को ट्रेड करना है। एंड ट्रेड करने की ये जो ग्राफ चल रहा है, ये अप जाएगा कि डाउन जाएगा? सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ है ना डाउन जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाउन पे ट्रेड कर दूंगा। एंड अपने को सिर्फ 5 सेकंड वेट करना है, अपना रिजल्ट अपने सामने होगा। और ये लो भाई, देखो यहाँ पर अपन ने प्रॉफिट अर्न कर लिया है। अब मैं एक और ट्रेड करने वाला हूँ। एंड अब भाई, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, तो मैं यहाँ अप पे ट्रेड लगा दूंगा। एंड अपने को सिर्फ 5 सेकंड के लिए वेट करना है, अपना रिजल्ट अपने सामने होगा। एंड ये देखो भाई, ये भी अपने को प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर अपन ने 2 सक्सेसफुल ट्रेड कर ली है। एंड दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को बिनोमो पर ट्रेड करने के लिए इन्वाइट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इन्वाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन प्रोफाइल करना है। एंड जैसे आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करोगे, तो यहाँ पर देखो आपको प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, जिसको आपको कॉपी करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है। एंड अगर वो बिनोमो पर जैसे ही साइन अप करेंगे, तो आपको मिलेगा $10 to $20 का बोनस। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को बिनोमो पर आप जाके ट्रेड करें। एंड भाई, बिनोमो के ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों में दे रखा है, वहां जाके आप साइन अप कर सकते हो। गाइस, फाइनली ये भी तैयार हो चुकी है। आईफोन तेरा भाई, सुन मेरे पास गाड़ी में है चार्जर, इसको चार्ज कर लेगा थोड़ा बहुत। हाँ, मिनी ब्लॉग भी बनाएंगे हम लोग इसका, इसलिए तो चले ना फटाफट चले। चलो गाइस, और सबसे बड़ी अभी पता है युद्ध क्या है? गाड़ी की जो मेरी फ्यूल रेंज है वो है सिर्फ 15 किलोमीटर। तो अभी मेरे को पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भरवाना है, उसके बाद उल्टी तो नहीं आ रही मेरे को, लेकिन पेट्रोल पहले मतलब इस साइड जाना होगा पेट्रोल भरवाने, फिर 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा आपकी लापरवाही की वजह से। कोई दिक्कत नहीं, एक तो जयपुर में ट्रैफिक इतना है ना कि देखते हैं अभी पेट्रोल पंप कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के जो पास में, मतलब पूरा घूम फिर के वैसे जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, तो वहीं जाके भरवा लेता हूँ भले ट्रैफिक। इस बीच में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पहले हमें कुछ खिला देना, चिप्स खा लो भैया, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। नहीं भैया, चलो चलो चलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग रिंगस, और अब यहाँ से पैदल यात्रा हमारी स्टार्ट होगी 16 किलोमीटर की। तो निशान ले लिया है सबसे पहले, उसे खोल लो। इसकी स्टिक तो बहुत, पिछली बार भी यही वाला लिया था। अच्छा, ये ब्लू आप पिछली बार लेकर गए थे? हाँ। पिछली बार क्या मांग कर आए थे? पिछली बार जो मांग गया था वो पूरा नहीं हुआ अभी तक, तो इस बार फिर जाते हैं। मैं मांगने की चीज बताई नहीं जाती, देखो भैया भी कह रहे हैं। मैं अभी निशान नहीं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे खड़े होकर के मैंने भगवान से कुछ मांगा है, तो अगर वो मुझे दे देंगे तो मैं पैदल लेकर आऊंगी पक्का निशान। रात के टाइम कितना हो चुका टाइम? 11:06 11:06 हो रही है, अब देखते कब तक पहुँचते। सुबह 5:30 मंदिर खुलेगा आराम। चलो कोई नहीं, बस थकना मत। मैं नहीं, पहली बार जाने वाले लोग। यस भैया, मैं ये कहना चाहूंगा हो जाएगा हो जाएगा, कोई नहीं सब हो जाएगा। चलो चलते हैं। जय श्री श्याम। तो दोस्तों, 11:30 बज चुकी है, 11:36 हो रही है, तो आधे 30 मिनट में 2 किलोमीटर हम लोग ऑलमोस्ट। आप लोगों का जोश कैसा? मेरे और निधि के अंदर इतना बातें करते करते आराम से पहुंचे। ये लोग अभी हमसे आगे बातें करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच गए। उनको मैं बोला रुक जाओ आराम से, अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलोमीटर वैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, तो आराम आराम से चल चलेंगे। मेन तो इनका डर है मुझे। अरे वो भी चल लेंगे। बढ़िया। A few moments later. So, दोस्तों, 5 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। 12:30 बज रही है और अभी तक इतनी थकान लगी नहीं है, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, वाटर ब्रेक, मॉन्स्टर ब्रेक,
कोल्ड कॉफी ब्रेक, लिमका ब्रेक आपका पानी ब्रेक, बस इतना ही ब्रेक है। वैसे जरूरत, हाँ जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी हमने कहा कि ठीक है यार रुक जाते हैं, ज्यादा तेज भाग के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4:30-5 बजे मंदिर खुलेगा। जिस पेस से हम लोग चल रहे हैं ना, हम लोग 3 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे, तो उतनी जल्दी पहुंच के करेंगे क्या, इसलिए आराम से रुकते रुकते चलेंगे जिससे 4:30-5 बजे तक पहुंचे। सो 20 मिनट का अच्छा सा एक ब्रेक लेने के बाद अब यहाँ से हम वापस से निकल रहे हैं। और इनके साथ तो ये झंडा, और ये कोई ले भी नहीं सकते, थोड़ा भारी है ना, ले नहीं सकता, मैं देना नहीं चाहता किसी को। ये मेहनत से मैं करना चाहता हूँ कि इसका फल भी मुझे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ऐसा फल की कोई चाह नहीं है, भगवान की इच्छा। एक बच गई है अभी, 3 घंटे है हमारे पास, पहुंच जाएंगे आराम से, चलेंगे टाइम। चलो ठीक है, चलते हैं। 9 किलोमीटर लगभग हम लोग आ गए वापस, हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और इस इंसान की वजह से अभी कुछ टाइम पहले गाइस मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे चल रही थी और इस इंसान ने मेरा ऐसा मजाक उड़ाया, और उसके सिर्फ 3-5 मिनट के अंदर ही जो इनकी नस चढ़ी ना, अब इनका पैर सीधा नहीं हो रहा, ग्रोइंग खिंच गई ऐसा लग रहा है, वो बहुत दर्द हो रही है। अच्छा भगवान ने, ये देखो कितना प्यारा सा पप्पी है, ओए क्यूटू, ये देखो। रात के 2:30 बज चुकी है एंड 6 किलोमीटर और बचा हुआ है, 3 घंटे और लगेंगे ज्यादा ज्यादा। 3 घंटे? हाँ 3 घंटे पैदल चल रहे हो कि दिमाग भी पैदल हो गया? जिस हिसाब से तेरी चक्री घूम रही है और मेरी नस घूम रही है ना, कोई यहाँ पे बता दे कि एक बार मेरी वजह से गाइस, मैं तुम्हें बताना भाई, सौम्य सही बता रहा हूँ, चल रही है तू, मैं दिखाता हूँ एक बार भाई, आप तो सीधे चलेगी, मुझे पता ही है ब्लॉग पे, लेकिन इसको देख लो ना तू, ऐसे 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 घूम घूम के चल रही, कितनी तेज मारी है, शर्म नहीं तुझे? और जब पैर दबा रही थी तो आपको शर्म? तो यार दर्द हो रहा था मेरे दुख में भी, तू आपकी नस भी ऐसे खींचेगी ना, उसका सबूत पहले सबूत नहीं नहीं दीदी, देखो जिसने जो करा है मानना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दुख में तू अगर साथ नहीं देगी तो फिर क्या मतलब है बता? तो मैं दे तो रही हूँ। हाँ तो इसीलिए गिना क्यों रही है, इससे बड़ा साथ देना क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हो ना, बोल दिया मैंने, देख ले साथ लेके चल रहा हूँ, देख ले तू। लास्ट 2 किलोमीटर बचा है भाई, और अब शरीर है ना जवाब दे रहा है धीरे धीरे, मेरा तो अभी भी नहीं दे रहा, जो कि मेरे को लेके आप टेंशन में आ रहे थे कि मैं चल पाऊंगी कोई नहीं। बात नहीं भाई, मेरे तो खिंच गई यार ना, मैं क्या करूँ, पैर की बहुत दर्द दे रहा है, बस 2 किलोमीटर और बचा, ज्यादा चल के आपके पैर दबा दूंगी। चलो तो देखते घर जाके पड़ जाओगी, उसके बाद कहोगे हाँ ठीक है, अभी भी दबाया था ना, दबा दूंगी। चलो ठीक, फाइनली लगभग 5 घंटे चलने के बाद पहुँच गए हम लोग श्याम देवार, और यहाँ से 1 किलोमीटर और बचा है, अब दर्शन वर्शन करके मिलते हैं भाई, बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है पैर में मेरे कील चुभ रही है और फिर मैं चल रही हूं, बहुत बुरी हालत हो चुकी है अब तो। 2000 years later. दोस्तों आज तक मुझे इस गाड़ी को देख के जिंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अभी आज हुई है, इस गाड़ी को देख वो अंदर से हंस रहा बैठ के भाई, है ना, इस गाड़ी को देख के इतनी खुशी कभी नहीं जितनी आज हो गई, है ना, तुम लोगों की है, मेरी तो सही हो गई भाई, पैदल चल रही थी ठीक है, ऑटो में सब लगी ना, बट मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, उस पे रेस पे पैर रख के मत बोलो, नहीं मैं चढ़ गई, मैं आपको सही बताऊं, अपन चढ़ लेंगे सारे, एक सेकंड मैं सही बताऊं ना, मैं एकदम परफेक्ट हूं, जो एकदम सही हो गया मेरा, तो मैं एकदम परफेक्ट हूं, वो मेरे बगल में टूट गई भैया, हमारे तो ऐसी ऐसी जगह दर्द हो रहा है, बैठ गई इसके बगल में भाई, वो ब्रेक लगा दौड़ दो दोस्तों, इसने पूरे रास्ते ना मेरे जो मेरी ग्रोइन खींची थी ना उसके मजाक उड़ाया इसने, तो भगवान ने इंस्टेंट अभी कर्मा दिया, वहां से यहाँ तक ना ऐसे 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 चल के आइए, ऐसे 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 करके अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ का काम अपना हो चुका है, दर्शन अपन ने अच्छे से कर लिए, बहुत अच्छे बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, एंड इतना जब आप पैदल चल के जाओ ना उसके बाद जो दर्शन होते हैं ना उसमें मज़ा ही अलग आता है, आनंद आ जाता है। अब यहाँ से चलते हैं भाई, कुछ खाते पीते हैं और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर उसके बाद आराम से घर जाएंगे और फिर सोएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, पनीर पकौड़े, ब्रेड पकौड़े एंड पोहा, इसी घड़ी का इंतजार था इसको, है ना, इसी घड़ी का इंतजार था ना, तो इसलिए तो आई थी, दर्शन थोड़ी करने देते थे भाई, जितने ही मेरे ऊपर हंस रही थी और उतना ही मजा आ रहा है, चल के मैं बैठ नहीं पा रही हूं, मेरी पैर का ना जाम हो गई, एकदम टाइट हो गया, ऐसा लग रहा है अंदर रॉड रॉड पड़ गई, ऐसे ऐसे हो ही नहीं रही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, बढ़िया हो गया, जो हुआ ना भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सुबह लगभग 8:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे, और उसके बाद जो भयंकर वाली नींद आई ना भाई, कि बस जहां जगह मिली सब सो के सो गए, यानी पड़ गए, और यश भी और निधि दीदी अपने घर चले गए थे, ये आगे वाले कमरे में सो रही थी और मैं और जानवर यहाँ आराम से सो रहे थे, अभी वो भी अपने घर गया, एंड अभी मेरे को तो हो गया टाइम वैसे काफी उठे हुए सुबह से, एंड ये उठी थी, एंड जैसी उठी है इसकी तबीयत टैं टैं बोल चुकी है गाइस, अब इसके मैं तो टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, कितना टेम्परेचर है देख रहे हो, 99.6 येल्लो हो रहा है, येल्लो मतलब कि तेरे को मॉडरेट फीवर है, दवा खाए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी तो रेड आ रहा था, 101 डिग्री के आसपास इसको बुखार था, तो एक पैरासीटामोल थी वो खा लिया इसने, एंड उसके अलावा इलेक्ट्रॉल भी लेकर आ गया था, मैं नारियल पानी लाया था, तो अभी सही है,
सुबह 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 तो सुबह क्या मतलब अभी थोड़ी दोपहर में थोड़ी देर पहले जब ये उठी थी ना तो ये ब्रश कर रही थी सिंक के पास एंड वहीं ब्रश करते करते चक्कर खा के गिर गई ब्लैकआउट हो गया चक्कर खा के गिर गई एंड इसने मामर्थ वाला मेकअप का वो था ये गिरा के तोड़ दिया यहाँ पे सामान पड़ा था ना तो जैसे गिरी ना तो ये पूरा इसको तोड़ दिया जैसे ही गिरा तो फुल मिरर और मिरर नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ चीटी मर गई चीटी मर गई चीटी मर गई मिरर कहाँ है इसमें अच्छा मैं वही तो कहूँ मैं गिर रही थी ना तो मैंने सोचा ऐसे कुछ वो सिंक वो टैप पकड़ लूँ टैप पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ स्लिप हुआ मैं ऐसे ही गिर गई जैसे अभी मेरे हाथ से गिरा ना वैसे इसके हाथ से भी ये गिर के टूट गया और अभी मुझे मेरी माता श्री को लेके जाना है डेंटिस्ट के यहाँ उनके दांत उखड़वाने उनके दांतों में दर्द हो रहा काफी दिन से तो कह रहे थे कि उखड़वा ही लेते मैं कहा चलो जैसे आपकी इच्छा हो तो दांत उखड़वाने जा रहे हैं उनका तब तक तुम भी रेस्ट करो और अगर ठीक लगे तो बढ़िया नहीं लगे तो फिर बताना फिर तुम्हें लेके जाऊंगा हॉस्पिटल 2 hours later तो दोस्तों मम्मी का दांत तो उखड़ गया वो तो सही हो गया लेकिन इसकी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई ये देखो भाई रेड हो रखा है 100.5 degree Fahrenheit 100.5 degree का तुम्हें बुखार है 100 degree का बुखार हो रखा है भाई बॉडी एक बुरी बहुत ज़्यादा तो कोई नहीं चलो कल अब डॉक्टर के जाके दिखाई देंगे फाइनली क्योंकि सही होने वाले हैं दवाई ले भी ली उसके बाद भी नहीं सही हो रहा नहीं इतनी बार दवाई मतलब भाई अब अब हो गया मतलब अब इसी के साथ व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ